फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HRG ब्यूटी हेल्थ में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है और आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत करेगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी छनी हुई चाय पत्ती को फेंक देते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि चाय की बची हुई पत्ती का प्रयोग कर आप घर बैठे त्वचा पर होने वाली कई समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। चाय पत्ती आपकी बेजान त्वचा में जान ला सकती है। इसका प्रयोग करने से आपका चेहरा खिल उठेगा। फ्रेंड्स, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे रेड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं ये रेमेडी किस तरीके से तैयार करनी है और इसे किस तरीके से अपने स्किन पे प्रयोग करना है और इससे होने वाले फ़ायदे। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें लेनी है उबली हुई चाय पत्ती और ये शहद। फ्रेंड्स, अब इस चाय पत्ती में मैं 1/2 टीस्पून शहद मिलाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स में हमारे चेहरे पे बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेंड्स, इसलिए ये रेमेडी विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे अपने हाथ पर अप्लाई करूंगी। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी स्किन से लचीलेपन को दूर करते हैं, और साथ ही साथ इसमें कैफीन पाया जाता है जो कि आपकी स्किन को ग्लो करता है और झाइयों झुर्रियों को दूर करता है। फ्रेंड्स, आपको इसकी 10 मिनट तक इस तरीके से मसाज करनी है। आप देख सकते हैं, आप फ्रेंड्स इस तरीके से इसकी मसाज करनी है, उसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लेना है। फ्रेंड्स, शहद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और मुलायम स्किन बनाता है। ये चेहरे को चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आपको 10 मिनट के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लेना है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।